भले ही सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन प्रदेश के हालात तो ऐसे हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। आज भी लोग सड़क, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा ये मामला सिंगरौली जिले के नगर परिषद सरई का है, जहां वार्ड नंबर 4 एवं 3 सहित अन्य वार्डों में कच्ची सड़क होने के कारण वार्ड के लोग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बाकी दिनों में तो चल जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ की हालत बहुत दयनीय होती है। लोग अपने घरों से निकल तक नहीं पाते हैं। यदि कोई बीमार भी हो जाता है तो उसे चारपाई के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरई को नगर परिषद बने करीब 1 साल होने वाला है, मगर यहाँ विकास का नामो निशान नहीं है। पहले ये एरिया ग्राम पंचायत का हुआ करता था, किंतु आज तक यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। अब ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। इसमें हम लोग सब सहमत से अपने लोगों से जमीन देके और अपने से तरफ से कच्ची रोड निकलवाए। इसमें आज तक से पंचायती था तो भी नहीं, इसमें न भस्सी डला और आज नगर परिषद हो गया, उसमें भी आज नहीं डल पा रहा है। आज तक से मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया ना 108 पाता है, चारपाई से टांग के रोड के पन्ना के सेठ के पार्षद के पास ले जाके अस्पताल ले जाना पड़ता है। यही हम लोग का सबसे बड़ा भारी समस्या है। इस रास्ते पर आप देखेंगे तो साइकिल तक नहीं गुजर सकती, खटिए पे लोगों को ले जाया जा सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। इतना पानी गिरता है कि समझ में नहीं आता कि कहां कहां तक के लोग इस तरफ से आते हैं। पूरा छिरहट प्रसिद्धि से लेकर के उधर पूरा मतलब पूरा अमावा डांड तक के बसोर भी आते हैं इसी रास्ते से। सर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पोजिशन है इस क्षेत्र, इस रोड के सृजन को भक्सी और रोड का पुनर्नवीनीकरण करने के लिए हमने कई बार विधायकों से बात किया, चर्चाएं की, आपस में मिलने गए, बैठकी भी हुआ और कई सारे आवेदन दे रखे, लेकिन विधायक न तो सुने, न तो इस क्षेत्र का सांसद, न सरपंच, न पंच, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोगों को बस उस समय का याद आता है जब चुनाव आती है तब आ जाते हैं। जब अभी भाई हम लोग कितनी परेशानी है, रोड अभी तक नहीं बन रहा है, कीचड़ फंस जाता है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं आ पाती है, हम लोग परेशान हैं। सिंह बाबू रोड के बनवाने के हम लोग मान कर रहे हैं, रोड बनवाइए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।